बोल बम। हम लोग सुल्तानगंज से कांवर यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रात में भी किस तरह से कांवर यात्रा हो रही है। हर हर गंगे जय शिव शंभु। स्वागत करते हैं दोस्तों नायक ब्लॉग में, और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को सुल्तानगंज से तारापुर का कांवर यात्रा को दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मैं पूरा संपूर्ण कांवर यात्रा का ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं पैदल ही 105 किलोमीटर का यात्रा कर बाबा बैजनाथ धाम पहुंचूंगा, लेकिन आज का इस ब्लॉग में आप लोगों को सुल्तानगंज से तारापुर का दिखाऊंगा। उसके बाद रोज एक न्यू ब्लॉग आएगा, पार्ट वन पार्ट टू भाग वन भाग टू करके, और मैं आप लोगों को संपूर्ण कांवड़ यात्रा का ब्लॉग अपने चैनल पर दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको माँ गंगा का उस तट का दर्शन करवा रहा हूँ जिसे लोग सुल्तानगंज के नाम से जानते हैं। और ये सुल्तानगंज का नज़ारा शाम के समय में बेहद ही रोमांचक होता है। कलकल करती माँ गंगा का ये रूप का आप दर्शन करें, और मैं चारों तरफ का नज़ारा आज दिखा रहा हूं आप लोगों को। बोल बम। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी कांवर यात्रा करते हैं कांवरिया बम, पहले यहां पे गंगा माँ में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद अपने कलश में गंगा जल लेकर के बाबा बैजनाथ धाम के लिए निकलते हैं अपने कांवर में कलश को बांध करके। बोल बम बोल बम बोल बम। और माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए सारे कांवरिया बम यहाँ से बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पहुँचेंगे अपने कंधे में कांवर में कलश में गंगा जल लेते हुए। बोल बम बोल बम बोल बम। और इधर आप देख सकते हैं कि हम लोग का कांवर संकल्प हो रहा है यहाँ पे। बोल बम बोल बम। और इधर हम लोग का कांवर, और ये रहा बेलपत्र। अब हम लोग संकल्प करेंगे यहाँ पे, और ये रहा गंगा नदी। बोल बम 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 हर हर महादेव। और आप देख सकते हैं कि रात्रि के 8 बजे हम लोग कांवर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं बाबा बैजनाथ धाम के लिए। सुल्तानगंज से अभी हम लोग निकल चुके हैं, और हमारे साथ में आप देख सकते हैं सोनू बम है। बोल बम। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग कांवर यात्रा देखने के लिए मिलेगा आज के इस ब्लॉग में। बोल बम हर हर महादेव। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सुल्तानगंज से कांवर यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं, और आज डे वन है, मतलब पहला दिन। और पहला दिन लगभग हम लोग रात्रि एक घंटा हम लोग पैदल चल चुके हैं, और मतलब रात्रि 8 बजे हम लोग पैदल चलना शुरू किए थे, और आज पहला सोमवारी का दिन है। और आज के दिन में आज एक घंटे में लगभग हम लोगों ने 5 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं यात्रा, और अभी हम लोग लगभग असरगंज के पास में पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं डे वन में और कितना दूरी को कवर कर पाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पीछे में भी कुछ कांवरिया बम आ रहे हैं अभी भी, और कांवरिया पथ में काफ़ी दुकानें भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी। हालांकि थोड़े से लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, और जिसकी वजह से क्लियर नहीं शायद आप लोगों को। बड़े भाग्य से मिलता है, और दान देने का अवसर भी बड़े संयोग से मिलता है। बोल बम। और लगभग हम लोग असरगंज पहुँच चुके हैं, और अभी रात के समय में थोड़ा सा कांवर यात्रा करना आसान सा लगता है, इसलिए हम लोग रात के समय में ही कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से कांवरिया पथ में कांवरियों की भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और पीछे में भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर मौसम है अभी, इसीलिए हम लोग अभी कांवर यात्रा को कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग 10 कांवरिया बम आए हुए थे, तो कुछ आगे और कुछ पीछे हैं। अभी हम लोग 2 कांवरिया बम साथ में चल रहे हैं, सोनू बम और हम, और आप लोगों को पूरा व्यू दिखा रहे हैं कांवरिया पथ का। तो अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं, और अभी भी हम लोग कांवर यात्रा को कंटिन्यू रखे हैं। अभी हम लोग को कहीं पे बाबा कब तक हमारे, हाँ अभी हम लोग को कहीं पे रुकना पड़ेगा खाना खाने के लिए, उसके बाद हम लोग वहीं पर विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सुबह में इस यात्रा को फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहें। और फाइनली जो हमारे कांवरिया बम आगे आगे चल रहे थे वो लोग मिल चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संतोष बम है, पीछे में सलेश बम है, बोल बम गोविंद बम और शंकर बम। और अभी हम लोग रात के 11 बज रहा है, और अभी हम लोग यहाँ पे
कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से यात्रा को शुरू करेंगे। और आप देख सकते हैं कि रात में भी किस तरह से कांवर यात्रा हो रही है। पूरा कांवरिया पथ में आप लोगों को कांवरिया ही नजर आ रहे होंगे। बोलबम। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी एक होटल में ठहरे हुए हैं और इस होटल में अभी हम लोग कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर से यात्रा को शुरू करेंगे। रात के 11 बज चुके हैं और अभी हमारे जो भी कांवरिया बम है, इधर आप देख सकते हैं सब कोई बैठे हुए हैं और अभी सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें होती है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसमी का जूस वगैरह भी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भी दुकान है। तो अभी हम लोग रोटी वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर आगे यात्रा को जारी रखेंगे। सो दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सो जाएं और फिर से सुबह 4 बजे से यात्रा को शुरू करें। तो चलिए, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और नेक्स्ट डे के ब्लॉग में फिर से मैं प्रारंभ करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज डे 1 का ब्लॉग को एंड करते हैं और डे 2 का ब्लॉग आप लोगों को कल देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस करके रखें। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, बोलबम, जय शिव शंकर।